के एडिटर हैं और मोहसिन बेग साहब जो हैं वो इन्हीं के मीडिया मालिक हैं। शमशाद मांगट साहब, क्या लग रहा है आपको, ये जो तशद्दुद किया है मोहसिन बेग साहब पे, ये लड़की के भाइयों ने नहीं किया? नहीं, मुझे तो लगता है आपके भाइयों ने किया, वही उसमें ये मुझे लगता है वही थे जो आपको ले गए फिर छोड़ गए। अच्छा, वही थे? नहीं, वो आपने देखा नहीं है कि अगर उनकी फुटेज बनी हुई थी तो क्यों ले गए हैं फुटेज? उन्होंने कहा कि हम FIA के अहलकार हैं, मैंने खुद फुटेज बनाई वहां पे। तो जो लड़की का भाई है ना, और लड़की के भाइयों वाला जो मामला था, वो बेगैरत इस वक्त अमरीका में बैठा हुआ है, हक्कानी नेटवर्क का हिस्सा है, उस बेगैरत को इंशाल्लाह वो वापस आएगा, टकरेंगे हम जर्नलिस्ट हैं, कोई मसला नहीं। लेकिन आप जर्नलिस्ट हो के ऐसी जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, वो आप मतलब कौन सा अच्छी जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं? देखे ना, आप कैसे मिलते हैं, आप सिर्फ दुरुस्त हैं और बाकी सब गलत हैं। तशद्दुद हुआ तो आपने उनके ऊपर प्रोपेगेंडा किया कि लड़की के भाइयों ने किया है? मैंने कोई प्रोपेगेंडा नहीं किया, खबर छापी थी ना अखबार में, वो वही डोगर साहब की खबर थी और वही डोगर साहब आज तक उस पर स्टैंड कर रहे हैं। अच्छा, हाँ जी, तो एडिटर तो आप थे ना? तो एडिटर मैं था, लेकिन सारे पॉलिसी तो मेरी नहीं। आपने हमेशा जब भी साफियों पे तशद्दुद हुआ तो वैसे मैं ये समझता हूँ वो जिसके खिलाफ खबर छपी थी वो बेगैरत है। देखिये, बेगैरत कहूंगा, मैं माजरत लाजमी कहूंगा। देखिये, मोहसिन बेग साहब आपका, वो आपका मोहसिन बेग साहब के ऊपर भी यही इल्जाम है, हम हज करने जाते हैं और आप कहते हैं आपका हज इलीगल है। मांगट साहब, यार आप इंसान के साथ हैं, शैतान के साथ, छोड़ यार, आप लाइव जा रहे हैं, लाइव जा रहे हैं, मेरी बात सुने, ये आपका रवैया ठीक नहीं है। तो आपका रवैया ठीक है, आप सहाफी है? नहीं, आपका रवैया ठीक है ना? मैंने आपसे सवाल किया है ना, और सवाल किया आपने, अपनी जात का सवाल का जवाब दो ना। मैं यही कह रहा हूँ, तो सिर्फ तुम साफी हो, बाकी साफी नहीं है। तो नहीं, ये बात नहीं है, आप मुझे अपना बताओ, आप इंसान के साथ हो शैतान के साथ? नहीं नहीं, हम तो इस तशद्दुद के खिलाफ हैं। आप शैतान के साथ हो जी? आपने देखा, शैतान इंसान हो। मोहसिन बेग के ऑनलाइन न्यूज एजेंसी के एडिटर शमशाद मांगट, मुख्तसर तारीख है ये, बड़ी बदकिस्मती की बात है, हमारी तारीख बड़ी ही तल्ख है और हम तारीख से सबक नहीं सीखते।